रोहित शर्मा ने पहले टेस्ट मैच में लगाया साउथ अफ्रीका के खिलाफ 13 शतक। साउथ अफ्रीका के अच्छे से अच्छे गेंदबाजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। साउथ अफ्रीका के अच्छे से अच्छे गेंदबाज रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के आगे पानी भरते हुए नजर आ रहे थे। रोहित शर्मा की इतनी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी के दीवाने सभी हो गए। रोहित शर्मा की इतनी कातिलाना विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर सभी हैरान थे। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी को जब लगा कि आज 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, तो उन्होंने भी खड़े होकर के रोहित शर्मा जैसे दिग्गज कप्तान को दिल से सलाम किया। आप सभी को बता दूं कि यहां पर 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। अभी तक किसी ने भी साउथ अफ्रीका और भारत के बीच टेस्ट मुकाबले में किसी ने खिलाड़ी ने अभी 13 शतक नहीं जड़ा है। रोहित शर्मा ने 3रा शतक जड़ करके इतिहास में अपना नाम रोशन कर लिया। आप लोगों को लाइव दिखाएंगे कि किस तरीके से 3रा शतक जड़ने के बाद रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी ने, यहां तक बामुंबा ने भी रोहित शर्मा को सलाम किया है। आपको लाइव हाईलाइट मुकाबला दिखाने जा रहे हैं रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल का। यशस्वी जायसवाल के बल्ले ने ऐसा गर्जा कि उन्होंने 2रा शतक और रोहित शर्मा ने 13 शतक इतिहास में अपना नाम रच दिया। आप लोगों को लाइव दिखाएंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के फर्स्ट टेस्ट का मुकाबला, पूरा का पूरा हाईलाइट मुकाबला देखने के बाद आप भी खड़े होकर के रोहित शर्मा को और यशस्वी जायसवाल को दिल से सलाम करोगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। भारत वर्सेज साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मुकाबले में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखी गई जिसको देखने के बाद हर कोई हैरान था। यहां तक साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बामुंबा भी कि आखिरकार यहां पर हो क्या रहा है। ऐसा तो नहीं रोहित शर्मा वर्ल्ड कप की हार का बदला यहां ले रहा हो। आप सभी को बता दें कि रोहित शर्मा को भी नहीं पता लगा, रोहित शर्मा इतनी अंधाधुंधी में खेल रहे थे कि जब 3रा शतक उन्होंने ठोक डाला तो उनको बताया गया कि आपने 3रा शतक सर ठोक डाला है। इतनी बात सुनकर रोहित शर्मा के आंख से आंसू छलक आए क्योंकि उन्होंने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब आपको लाइव हाईलाइट मुकाबला दिखाने जा रहे हैं, विस्तार पूर्वक देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी साउथ अफ्रीका के कप्तान बामुंबा ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद काफी ज्यादा खुश हुए, लेकिन टॉस जीतकर मतलब ये नहीं आप बल्लेबाजी का और मौका जीत गए। टॉस जीतने के बाद साउथ अफ्रीका के कप्तान बामुंबा ने पहले गेंदबाजी चुनी और बल्लेबाजी का न्योता हमारी भारतीय टीम को दिया। भारतीय टीम की तरफ से दिग्गज खिलाड़ी सुमन गिल और रोहित शर्मा सबसे पहले मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए फुल फॉर्म में उतरे। रोहित शर्मा और सुमन गिल की खातिराना विस्फोटक बल्लेबाजी कुछ देर ही काम की, लेकिन सुमन गिल सिर्फ 37 रन बनाकर के आउट हो गए और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी ने आउट किया सुमन गिल को, वो काफी ज्यादा खुश हुआ। उसने सोचा अब तो टीम इंडिया जो है अब हम बोल्ड कर देंगे सभी को, लेकिन ऐसा उसकी सोच उसी पर हावी हो गई। आप को बता दूं सुमन गिल के आउट होने के बाद रोहित शर्मा का साथ देने के लिए दिग्गज महान रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले इंडिया टीम की विराट कोहली आए। विराट कोहली काफी ज्यादा खतरनाक खूंखार विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे रोहित शर्मा के साथ। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने काफी अच्छी पारी निभाई, लेकिन फिर विराट कोहली के बल्ले ने कोई करामात खास नहीं दिखा पाई, अपना अर्धशतक पूरा किया यानी कि 52 रन बना पाए और विराट कोहली भी साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी के शिकार हो गए और वो भी कैच आउट का सामना कर बैठे। विराट कोहली और सुमन गिल के आउट होने पर रोहित शर्मा थोड़ा भावुक है क्योंकि पता था रोहित शर्मा को दिग्गज खिलाड़ी आउट हो गए हैं, अब क्या होगा। लेकिन शायद रोहित शर्मा को यह नहीं पता था यशस्वी जायसवाल जैसा खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज आपका साथ देने के लिए बना है। यशस्वी जायसवाल जैसे ही मैदान पर आए रोहित शर्मा के लिए बल्लेबाजी करने के लिए तो रोहित शर्मा भी आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने पहले ही साउथ अफ्रीका की गेंद पर एक ही शॉट खेला और वो भी सिक्स लगा बैठे और वो सिक्स इतना लंबा था जी साउथ अफ्रीका के कप्तान और रोहित शर्मा उस सिक्स को देखकर हैरान हो गए कि आखिरकार इतना लंबा छक्का कैसे लगा दिया। तो यशस्वी जायसवाल की शुरुआत इतनी बेहतर थी तो आखिर भी कितना बेहतर होगा आप लोग समझ सकते हैं। आप सभी को बता दूं कि यशस्वी जायसवाल कातिलाना विस्फोटक बल्लेबाजी करते रहे और रोहित शर्मा का बखूबी साथ निभाया। रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चल रही थी और रोहित शर्मा को आउट करने के लिए दिग्गज से दिग्गज बॉलर साउथ अफ्रीका के मैदान पर आ रहे थे बॉलिंग करने के लिए, लेकिन रोहित शर्मा को खेल नहीं है आउट करने का। आप सभी को बता दूं कि रोहित शर्मा मैदान पर ऐसे टिके हुए थे जैसे किसी अंगद ने अपना पैर जमा दिया हो। रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान था। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, सूर्य कुमार यादव जैसे दिग्गज से दिग्गज खिलाड़ी देख रहे थे और विराट कोहली भी बारी को देखकर काफी ज्यादा मुस्कुरा रहे थे क्योंकि विराट कोहली को पता था कि आज रोहित शर्मा कप्तान ये कुछ कर जरूर डालेगा। आखिरकार 80 और 100 साल का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया क्योंकि यहां पर रोहित शर्मा ने सिर्फ महज आपको बता दूं कि 126 गेंदों में 308 रन बना डाले जो किसी की भी सोच से बाहर है। 126 गेंदों में 308 रन बना डाले जहां पर साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। साउथ अफ्रीका के कप्तान भी काफी ज्यादा हैरान थे, लेकिन 13 शतक जड़ने के बाद रोहित शर्मा ने जब 13 शतक जड़ा तो साउथ अफ्रीका के कप्तान बामुंबा ने खड़े होकर के कहा कि रोहित शर्मा इज ए बेस्ट
टेस्ट। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि रोहित शर्मा के लिए कहा कि रोहित शर्मा काफी ज्यादा मेहनती और खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज है, ऐसी कप्तान की हर टीम में जरूरत है। अगर ऐसा कप्तान हर टीम में हो तो कोई भी मुकाबला भारतीय टीम हार नहीं सकती है। आप सभी को बता दूं कि रोहित शर्मा की काफी ज्यादा तारीफ की, लेकिन रोहित शर्मा का 13 शतक पूरा हो गया। 3रा शतक के बाद महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर ने कहा कि रोहित शर्मा काफी विस्फोटक बल्लेबाज है और अपनी कप्तानी भी बखूबी खूब निभाता है। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया, ऐसे बल्लेबाजों को हम दिल से सलाम करते हैं और ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी एक दिन जरूर जीत कर लाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।